हाय स्टूडेंट, आज फिर क्लास 8 का मैथ एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर चल रहा था, जिसका 2.1 यानी इक्वेशन यानी वन वेरिएबल ऑफ इक्वेशन पढ़े थे। उसी का अगला एक्सरसाइज 2.2 है, जो उसी में रहा है। क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन है क्या। 2.2 का पहला दिया है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, एक संख्या में से 1/2 को माइनस करने पर करने के बाद एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, यानी जो रिजल्ट प्राप्त होता है हमको माइनस करने के बाद, उसमें क्या करते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यू गेट 1/8। तो क्या होता है 1/8 उसका आंसर प्राप्त होता है। तो व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या है, वो संख्या है क्या। ठीक, तो जो पूछता है उसको लेके सब करते हैं। तो लेट बी नंबर इज इक्वल टू एक्स, माने कि वो संख्या x है, तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ए नंबर क्या 1/2, यानी उस नंबर में सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, यानी 1/2 नंबर में क्या करना है, माइनस करना है x माइनस 1/2। अब जो इसका रिजल्ट प्राप्त होता है, तो दे मल्टीप्लाई बाय 1/2, उसमें क्या करना है 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा x माइनस 1/2 एंड 1/2 क्या इनटू 1/2, तो गेट आंसर यानी 1/8 प्राप्त होता है। इसका सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन हमारा हो जाएगा x माइनस 1/2 इनटू 1/2 इक्वल टू 1/8। अब सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 1/2 इनटू 1/2 इक्वल टू 1/8। अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x माइनस 1 में 1 का, तो 2x माइनस 1 ही होगा, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा इक्वल टू 1/8। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसका इसमें 8 में करेंगे 2x माइनस 1 का, फिर 4 में करेंगे 1 का, तो 4 में 1 लगाएंगे तो 4 ही होगा। अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई दोनों में करना पड़ेगा, तो 8 में 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 16x, और माइनस 8 से 1 में करेंगे तो हो जाएगा ये 8 इक्वल टू 4। अब इसको करेंगे, x का वैल्यू निकालना है, तो x को रखेंगे, उसको ट्रांसफर तो करेंगे, ठीक, तो 6x = 16x = 4 पहले से है, ये माइनस 8 उधर जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, ठीक, 16x = 8, 4 + 8 = 12, x = 12/16, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 60, यानी x = मिल गया हमको 3/4, यानी x का वैल्यू निकल गया 3/4, यानी वह संख्या हमारी क्या है 3/4 है, जिसमें से 1/2 को माइनस किया जाए, ठीक, उसके बाद जो रिजल्ट आए उसमें से उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई किया जाए, तो हमारा आंसर 1/8 प्राप्त होगा। ठीक है, आंसर में अब चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, जिस एक जो स्विमिंग पूल है जो रेक्टेंगुलर का आकार का, उसका जो पैरामीटर दिया है, ठीक, वो 154 मीटर दिया है। जैसे मान लें हमारा ये रेक्टेंगुलर है, ये हमारा रेक्टेंगुलर क्या है, स्विमिंग पूल है, क्या है, स्विमिंग पूल है, ठीक, इसकी जो पूरी जो पैरामीटर दिया है 154 मीटर दिया है, ठीक है, 154 मीटर दिया है। तो कह रहा है कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है, तो व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल, तो बताइए कि उस पूल की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो सबसे पहले मानेंगे लेट बी ब्रेथ,
ब्रेथ इक्वल टू एक्स, यानी ये चौड़ाई हमारा क्या हो गई एक्स। अब इसके दुगुने से 2 मीटर अधिक क्या है लंबाई है, यानी हो जाएगा लेंथ इक्वल टू 2x+2। और पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इक्वल टू कितना दिया है 154 मीटर। ठीक है, ये भी सब क्या मीटर में ही है मान लेंगे। ठीक, तो हमारा पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 2 × L+B इक्वल टू 154 मीटर। 2 L का मान 2x+2, अब B का मान x, बाहर लगा देते मीटर यानी दोनों में हो जाएगा 154 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 × 2L प्लस हो जाएगा 3L+2 मीटर इक्वल टू 154 मीटर। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2×3 = 6x+2 क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 154। अब 4 को ट्रांसफर करेंगे क्योंकि हमको वैल्यू ऑफ एक्स एक्स का वैल्यू निकालना है, तो 6x = 154 - 4 क्योंकि +4 है, जब ट्रांसफर करेंगे उधर तो -4 हो जाएगा। ठीक, 6x = अब इसको माइनस करेंगे तो 150 हो जाएगा। अब हमको वैल्यू एक्स का निकालना है, ये 6 इसमें क्या है मल्टीप्लाई है, इसे ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड, x = हो जाएगा 150/6। जब डिवाइड करेंगे ये 25 बार में डिवाइड हो जाएगा तो x का वैल्यू हमको निकलेगा 25, यानी x क्या माने हैं ब्रेथ, यानी ब्रेथ हो जाएगा 25 मीटर। ठीक, x के माने है 25 मीटर क्या हो गया b यानी ब्रेथ, और l क्या माने है 2x+2, तो 2 × 25+2 तो ये हो जाएगा 50+2 = 52 मीटर, यानी लेंथ हो जाएगा 52 मीटर और ब्रेथ हो जाएगा 25 मीटर, जिसकी रेक्टेंगल क्या दिया था, इस रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का। ठीक, इस तरह पूरा क्वेश्चन आगे का करेंगे, जो नहीं आएगा फिर वीडियो में कमेंट करेंगे तो अगले उसका आगे वीडियो बनाकर डेट डाला जाएगा।